राजधानी में एक बार फिर बदमाशों ने चलाई व्यापारी पर ताबड़तोड़ गोलियां। व्यापार मंडल अध्यक्ष व मऊ ग्राम सभा के पूर्व प्रधान सुजीत पांडे पर बदमाशों ने की फायरिंग। कई राउंड फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से हुए फरार। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। गंभीर अवस्था में सुजीत पांडे को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोहनलालगंज थाना इलाके के गौरा में भट्टे पर मारी गई गोली। लखनऊ से नितिन पटेल की रिपोर्ट। आज सायंकाल 5 बजे के बाद जो ये सुजीत पांडे जी हैं, जो प्रधानपति हैं, इनका भट्टा है गौरा गांव में। इनकी दैनिक दिनचर्या है कि प्रातः भी जाते हैं भट्टे पर, सायंकाल भी जाते हैं। उसी दिनचर्या के अनुसार शायद आज शाम भी वहां गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे, अकेले गए थे, साथ में कोई नहीं था। और तभी जितनी अभी तक जानकारी मिली है वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों जो भट्टे पर लोग हैं उनसे माध्यम से, एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, उन्होंने इन पर हमला किया है। इनको एक गोली लगी है इनके शरीर में अभी तक जितनी देखा हमें, एग्जैक्ट पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद, जो अभी तक नंगी आंखों से हमारे पुलिसकर्मियों ने देखा है उसके अनुसार एक एंट्री वुंड है और एक एग्जिट वुंड है। मौके पर 8 खोखे मिले हैं, लेकिन ये भी ज्ञात हुआ है, अगेन अभी प्रिलिमिनरी है, कि इन पर भी हमले हुए थे, इनके द्वारा भी गोली चलाई गई है, इनके पास लाइसेंसी पिस्टल है। मौके पर जो खोखे मिले हैं 8 मिले हैं, 4 एक तरह के हैं, 4 एक तरह के हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो ये अभी तक हमें जानकारी मिली है, ये प्रधानपति थे यहाँ नगर, ये व्यापार मंडल मोहन लाल व्यापार मंडल उसके अध्यक्ष भी थे और क्षेत्र काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो अब हम लोग जो भी संभावनाएँ हो सकती उन संभावना काम कर रहे हैं। अभी तक इनके परिवार के लोगों ने या बेटों ने कोई तहरीर नहीं दी है, मैं उनसे भी बात करूँगा। जिस तरह सूचना आएगी, जानकारी आएगी, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी भी तफ्तीश में हमारी क्राइम ब्रांच टीम आ चुकी है, क्राइम ब्रांच टीम लग चुकी है, हमारे सारे अधिकारी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी घटना का निवारण करें और इस घटना के पीछे जो भी बदमाश है उनकी गिरफ्तारी करें। कोई जो ना अभी ये जो असल खोखे बरामद हुए हैं क्या 9 mm के हैं क्या? हाँ, 9 mm के भी हैं, 4 एक तरह के हैं और 4.32 के हैं। दूसरा ये सुपारी किलिंग है कि कोई रंजिश नहीं? अभी प्राथमिक दृष्टया अभी कहना, कोई कंक्लूजनली कहना मुश्किल है। प्राथमिक दृष्टया लगता है किसी रंजिश की वजह से हुआ है, क्योंकि देखिए इनसे कुछ लूटने का प्रयास नहीं हुआ है और कोई ऐसा था जो इनके दैनिक दिनचर्या से ज्ञात था। मतलब भली बात ही रेकी की गई उसके बाद लगता है प्राथमिक दृष्टया। घर वालों ने किसी से रंजिश अभी तक नहीं बताया? अभी तक नहीं बताया। घर वाले स्वयं जैसो आहत होंगे, दुखी होंगे, उदास होंगे, उन लोगों से हम लोग बात करके जैसी सूचना दें उसका कार्रवाई करें।